मारो। तानी कहाँ का बॉस समझता है डगन बॉस अपने आप। मारो तुम भी मारो ना भाई इसको। अरे मेरी क्या दुश्मनी है डगन बॉस से यार। तो समझो जैक है तब मारो। यार उज्जवल भाई आपने कभी डॉक्टर्स को बास्केटबॉल खेलते हुए देखा है? नहीं। एयर हॉकी खेलते हुए? नहीं यार। हैमर वाला गेम तो खेलते हुए देखा ही होगा। क्यों देखा होगा भाई, डॉक्टर्स के हाथ में स्टेथोस्कोप थर्मामीटरी ये सब अच्छा लगता है यार। ये क्या बोल क्या बातें कर रहे हो यार, व्हाई शुड गेमर्स हैव ऑल द फन। गाइस आप लोगों ने कमेंट्स कर करके बहुत टाइम से जान खा रहे थे कि कब होने वाला है मृणाल वर्सेस हार्दिक। मृणाल हार्दिक मृणाल। तो गाइस हम लोग फाइनली लेके आ चुके हैं टीम मृणाल वर्सेस टीम हार्दिक। सो वेलकम बोथ द टीम्स। वेलकम गाइस, वेलकम। आर यू गाइस रेडी? तैयार हो? यस सर। मजा आने वाला है नहीं? बिल्कुल। तो क्या लगता है क्या होगा इस आर्केड ओलंपिक्स में? ओलंपिक्स जहाँ पे ऐसे हर गेम का एक चक्कर मारेंगे एंड ये हम करेंगे जैसे बचपन में क्या करते थे। देखो बचपन अलग था, ये जो आर्केड गेम है ना इतना ज़्यादा इजी नहीं होने वाला क्योंकि ये है आर्केड ओलंपिक्स और यहाँ पर तुम्हें हेल्प करने वाली है तुम्हारे एडुकेटर्स की। तो इसीलिए हम लोगों ने बुलाया है अनअकैडमी नीट के टॉप एडुकेटर्स अनमोल सर एंड चांदनी मैम को। प्लीज जॉइन अस। तो सर मैम आप लोग हमेशा अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाई लिखाई के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहते हो बट आज बारी है इनको गेम्स खेलने के लिए मोटिवेट करने की, तो क्या कर पाओगे? तो सर अभी चीज़ें बहुत बदल रही है, लोगों को गेम्स के द्वारा बताया जा रहा है कि किस तरीके से कोई भी चीज काम करती है। तो देखो टीम रेड तो फुल जोश में, टीम ब्लू के एडुकेटर गाइस कम ऑन यार थोड़ा सा कुछ मैम। बिल्कुल क्या ट्विस्ट है अभी तो पता चलेंगे जैसे गेम शुरू होगा। तो बिल्कुल फुल जोश में है और जीतेगी तो टीम ब्लू। नहीं नहीं जीतेगी तो टीम रेड ही जीतेगी। देखिए उसके लिए तो जीते जो है हमारा अपना क्या है ना। देखिए मैं एक चीज बता दूं, एडुकेटर्स आर हियर नॉट ओनली फॉर मोटिवेशन बट आप लोग इनकी हेल्प भी कर सकते हो। आप लोग जहां पर भी अटक जाते हो आप लोग अपने एडुकेटर्स की हेल्प ले सकते हो बट द कैच इज Only one time. सिर्फ एक बार अपने अपने educators की help ले सकते हो। Ready हो आप लोग? Yes. जोश हाई है। बहुत yes. Yes. तो ये होने वाला है हमारे games का round one, जिसका नाम है Element Airy Hockey. तो यहाँ पे है पीरियोडिक टेबल के टोटल 10 एलिमेंट्स और इनमें से किसी दो को गोल करके आपको एक कंपाउंड बनाना है। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, अगर आप बाई चांस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हो तो आप लोग वाटर बना देते हो। भाई मेरे से बेटर आप लोग ही जानते हो है ना। तो ऐसे करके जिसने भी सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाए वो हो जाएगा इस राउंड का विनर। बट देखो यार एक ना बहुत तगड़ा ट्विस्ट है और ट्विस्ट ये है कि तुम दोनों में टीम में से कोई एक बंदा खेलने वाला है और दूसरा बंदा उसे एडवाइस देगा। तो अब देख लो तुम में से कौन खेल रहा है वो तुम्हारे हाथ। हाँ It's stuck over there. वो तो काउंट होगा ना, मतलब ऐसे गोल लाइन टेक्नोलॉजी लगा लो कुछ। भाई ये क्या हुआ, 5 मिनट तक चलनी थी ये गेम, तुमने भाई 10 सेकंड भी नहीं चली। भाई लेजिट ये इन लोगों ने मेरी फर्स्ट डेट से भी ज्यादा जल्दी खत्म कर दिया। भाई ये हंसने वाली बात कुछ नहीं भाई, अभी देखते हैं रिजल्ट। तो गाइस यार फाइनली हम लोगों के पास आ चुके हैं टेबल पे सारे एलिमेंट्स जो दोनों टीमों ने डाले थे एंड इट इज टाइम टू मेक सम कंपाउंड्स। बट यार देखो शॉकिंग बात यह है कि दोनों ही टीम की बराबर की बैटल थी, 5-5 गया भाई दोनों में। तो अब हाँ, बारी है एडवाइजर्स की, भाई अब पता चला जीतेगा कौन। हाँ, ओके तो चलो दिखा देते हैं। रिवील रिवील उधर से करो पहले भाई, हम आराम से। ऐ चुल्ला ला ला और ये आपका लास्ट एलिमेंट के मेरे को समझ नहीं आ रहा था, तुम बताओ। अरे भाई अपने दिखाओ इधर भाई, हमारा हुक्म का नाइट्रोजन। बढ़िया बढ़िया
पहले सबसे पहले तो भाई इस गेम का एमवीपी जो कि हमारे एडवाइजर्स होने वाले हैं, जो पूरे गेम के टाइम पे एकदम स्ट्रेट फेस करके बैठे हुए थे, बट इट इज योर टाइम नाउ। आप लोगों को बनाना, इनसे सबसे ज्यादा कंपाउंड्स आपको मिलते हैं 1 मिनट, जितने ज्यादा कंपाउंड्स आप लोग बना सकते हो। लेट्स स्टार्ट। HCl KCl H2S H2S FeCl3 H2S ओके H2S हो गया H2 करते हैं पोटेशियम हाइड्राइड KH KCl FeH2 ओके FeH2 हाँ एक नॉन स्टिक्योमेट्रिक Fe हाँ Fe2S3 हाँ और K2S गाइस लास्ट K2S KCl किया इंडिया का पहला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसने प्रोड्यूस करे 100% टाइलर्स इन जेईई मेन 2024। उसी के साथ 14 अनअकैडमी सेंटर जिसने अपने ईयर वन के अंदर ही लर्नर्स ने स्कोर किया है 99.9 प्लस परसेंटाइल अक्रॉस इंडिया। करते रहो अभी भी और टाइम करते रहो 10 हो चुके हैं, बहुत बढ़िया जा रहे हो। हम लोगों के पास आ चुके हैं। तो गाइस यार टोटल कंपाउंड्स बनाए हैं 12 टीम हाजिक ने, और अब देखते हैं कि टीम मृणाल कितने बना पाती है। कितने बनाए? 12 भाई। 12 चलो टाइम स्टार्ट हो गया अपनी टीम से, बोलो एक हो गया N2O नाइट्रोस, दो हो गया NO2, तीन N2O3, चार N2O5, पांच अरे होता है NO2 Na2O NO2CO, सात CO2, आठ सोडियम हाइड्राइड NaH। अब असली वेपन निकाल, असली वेपन आ रहा है। अब 11-12 हो गए भाई। CH4 C2H6, C3H8, C4H10, एल्केन, C5H12, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, लगाते जाओ पूरी सीरीज। अल्कोहल बनाओ, कार्बन कार्बन बस भाई ये ज्यादा ही सीरियस ले गए ना, सही में 1200 बना देगा तुमने। तो देखो भाई क्लियर विनर है भाई, फिर तो टीम ब्लू तो जोरदार तालियां होता है, नेक्स्ट राउंड पे भी चलना है, इसलिए इसको बढ़िया भाई टीम मृणाल जीत चुकी है। तो राउंड वन तो बहुत ही ज्यादा मजेदार था, बट अब बारी आ चुकी है राउंड टू की, जो की है स्लैम इट लाइक न्यूटन। जैसे कि आप लोगों को नाम से पता चल ही गया होगा, ये राउंड होने वाला है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। दोनों टीम से हम लोग पूछने वाले हैं C3 क्वेश्चंस, और आपकी टीम में एक प्लेयर होगा जो आंसर देगा, एंड प्लेयर टू विल गो एंड स्लैम द बॉल, ड्रिबल करके जाना है आपको और उसके अंदर डालना है, बेसिकली हुप के अंदर, ठीक है। तो आप लोग गेस कर लीजिए कौन वो होने वाला है जो क्वेश्चन का आंसर देगा और कौन जाके वहाँ पे खेलेगा, ठीक है। बस ये देखिएगा कि करेक्ट आंसर देने पर ही जो भी प्लेयर है वो वहाँ जाके बॉल को हुप में डालने की ट्राई कर सकते हैं। तो देखो करेक्ट आंसर दे रहे हो तो आपको मिलेंगे 10 पॉइंट, और अगर आप बास्केट भी कर देते हो तो मिलता है 20 पॉइंट। तो एंड में जिस टीम के पॉइंट ज्यादा होंगे वो टीम जीतेगा, जो कि है टीम मृणाल। भाई हाजिक भाई जीतना तुमने, ठीक है, जीते हैं रेड वाले। हां ये भी ना, बट अगर आप लोग कहीं पर भी, मतलब आप नहीं एडुकेटर आप सब तो नहीं, बट आप लोग टीम कहीं पर भी रुकते हो और आपको अगर आंसर नहीं आता है तो आप लोग अपनी लाइफ लाइन जो कि आपके एडुकेटर्स हैं उनसे हेल्प ले सकते हो, बट सिर्फ और सिर्फ एक बार, ठीक है। सो आर यू गाइस रेडी? रेडी भाई, बहुत बड़ा राउंड है, इस राउंड में तुम्हारी स्किल दिमाग दोनों लगने वाला है, और बास्केटबॉल कौन खेलेगा? तो आंसर मृणाल करेंगे, ठीक है, रेडी हो? अगर ये सही आंसर देते हैं तो आपको ड्रिबल करके ले जानी है, ठीक है, टीम हासिक भी है वो भी आंसर कर सकते हैं। तो आप में से कौन आंसर कर रहा है, कौन बास्केट कर रहा है? तो आंसर मैं करूंगा और हासिक कुल चुको विद आंसर वाले से ही करवाएंगे हम। ऑप्शन है A ग्रेविटेशनल फोर्स, B रियल फोर्स, C फिक्टिशियस ऑफ सूडो फोर्स, या फिर D फ्रिक्शनल फोर्स।
आंसर क्या देगा ना ए आई थिंक मैं तो देखूं आंसर इज सी फिक्टिशियस और स्यूडो फोर्स आई एम रियली सॉरी बट योर आंसर इज करेक्ट जाइए आपके ए नॉर्मल टू द सर्फेस अपवर्ड्स ऑप्शन बी normal to the surface downwards option c along the applied force direction and option d opposite to the applied force direction maine aise sar hilaya jaise mujhe sab samajh mein aaya chalo bhai abhi 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 idhar aaye bina cheating kar dekho abhi sir sir aap minus 30 bhai aap clear bolo agar aap lifeline le rahe ho to le li na to aap bhai ho jaye answer ho jaye aapka answer kya hona hai reading the question ek aur baar acha d D answer होना है D क्या था? Opposite to the applied force direction. Sadly. Is it right? Is it right? Right है, right है ये. चलो, 10 point ले लिए. Let's go, Hasif भाई, one try. देखो, 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 10 point तुमने ले लिए. अब basket भी हो गया. हो जाए. 20 points. Let's go. Done, done, done. कर दो भाई. Come on. Almost ready. कोई नहीं, कोई नहीं. होता है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. टीम रेड एट 10 पॉइंट्स आपके 30 पॉइंट्स एंड हियर कम्स विद दैट टीम रोनाल हियर्स योर सेकंड क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट इनर्शिया अ सिंगल एटम अ मॉलिक्यूल अ वन रुपी कॉइन अ क्रिकेट बॉल आई थिंक इसके लिए मैं लाइफलाइन का इस्तेमाल करूंगा ओके तो मैम आप बताइए इफ यू वांट मी टू रिपीट द क्वेश्चन आई कैन नो नो इट्स ओके देखो भाई 40 points के साथ आप लोग लीड बहुत ही फर्स्ट लॉ आप जाना चाहते हैं ऑप्शन ए की तरफ फाइनल देख लो भाई बिल्कुल नहीं सोच रहे ना आप सीनियर एंड वेल विशर ऐसे सी लॉक कर दें पक्का 50,000 लाइन पे हैं तो वेल विशर आई डोंट नो चलो देन आई विल यूज माय लाइफ लाइन डन बट ओके आर यू श्योर ओके लाइफ लाइन अगर आप नहीं आई विल यूज ओके डन लाइफ सर आपके ऊपर आता है क्या लग रहा है हमें क्या लग रहा है हमें तो लग रहा है तो गेम पैड दे फिर मैं ना ऐसे कॉन्फिडेंस से ए यस सही है बिल्कुल well done, लाइफ टाइम बर्बाद करवा दी भाई मेरे लिए अरे भाई बहुत कोई इज्जत ही नहीं है तुम्हारी यूज करा ना बंदे को हाजिर कम ऑन ड्रिबल करते हुए जा रहा है को आराम से बस टाइम अनलिमिटेड है भाई बाय भाई शॉट है ऑन वेल डन बराबरी वेल डन ब्रो तो देखो मैं सबको बता दूं अभी दोनों टीम के पॉइंट्स हैं 40-40 मैथ ठीक है और अब आप दोनों के पास एक एक क्वेश्चन बचता है एंड कमिंग टू दैट आपका फाइनल क्वेश्चन होने वाला है इफ द फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी इज डबल्ड एंड द मास इज कट इन हाफ व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन रेशियो वो बड़ा मुश्किल ए है 1:2 बी है 2:1 सी है 1:4 डी है 4:1 डी पे टिक कर दो पहले केस टू सेकंड केस पूछ रहे हैं ना एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दो इफ द फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी इज डबल्ड एंड द मास इज कट इन हाफ व्हाट वुड बी द एक्सेलरेशन रेशियो ऑप्शंस बता दूं 2 का स्क्वायर 4 1/4 भाई ये क्यों बोल रहा है व्हाट हां शैतान नहीं नहीं ये भी नहीं है ठीक है 1:4 1:4 आर यू श्योर यस यू डोंट हैव अ लाइफलाइन एनीवे सो मैं आपका क्वेश्चन लॉक कर रहा हूं सी 1:4 इज राइट
You get a chance, bro. Come on. एकदम टाइम लेके. For your team, bro. Come on. Yes, you can do it. नहीं. ये तो उधर काम है. ये तो. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. Half century. Congratulations guys. भाई अब ये tough हो जाता है. अब पूरा आप लोग के हाथ में. अगर आप लोग question सही देते हो तो tie होता है. But अगर आप लोग question सही देके basket करते हो, you are taking this round. कर दो third question हो जाए. तो टीम रेड के लिए क्वेश्चन इस बार काफी ज्यादा खतरनाक आया. तुम्हारा क्वेश्चन है द मास ऑफ अ बॉडी इज इक्विवेलेंट टू द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट टू द एक्सीलरेशन इट जनरेट्स. ऑप्शन ए है एट द ग्रेविटेशनल मास. ऑप्शन बी है द मास ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. ऑप्शन सी है द मास ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स एंड ऑप्शन डी है द मास ऑफ इनर्शिया. ये क्या था? द मास ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स. It should be D, the mass of inertia. Locked है ना? हाँ. भाई ये कैसे सिंगार है करेक्ट बता रहे हैं? मुझे नहीं पता भाई. करेक्ट भाई. आंसर इस करेक्ट. हाजिक भाई. लास्ट शॉट है. दस दस पॉइंट तो ऐसे ही लगा भाई. लास्ट शॉट. देखो तुम. कम ऑन. देखो अभी देख रुक जाओ मैं बता देता हूँ. गेम पूरा बराबरी का हो चुका है. दोनों टीम के 50-50 पॉइंट्स हो गए हैं. अब गेम पूरा ओके नहीं ऐसा प्रेशर मत डालो अब ऐसे. अब कर दिया तो जीत गए भाई. ठीक है चलो लेट्स गो. टीम रेड भाई पूरा पूरा गेम बराबर हो गया भाई. भाई विद दैट एक राउंड जीत चुकी टीम ब्लू, एक राउंड जीत चुकी टीम रेड एंड इट इज टाइम फॉर राउंड थ्री. तो अब बारी आ चुकी है राउंड थ्री की जो कि है एटॉमिक बॉलिंग. बट भाई बॉलिंग तो आप लोगों ने बहुत की होगी और बहुत देखी होगी. बट सिंस इट्स द आर्केड ओलंपिक्स यहाँ पर कुछ भी चीज सीधी नहीं जाती है. तो देखो इस बार ट्विस्ट ये है कि तुम्हारे सामने जो बॉल्स रखी हुई हैं जो कि तुम्हें बॉलिंग में डालनी है उन बॉल पे ना पीरियोडिक टेबल से कोई एक एलिमेंट लिखा हुआ है. तो तुम्हें वो बॉल चूज करनी है जिसका एलिमेंट का एटॉमिक मास सबसे ज्यादा है. हर एक स्टूडेंट को मिलेगा एक एक चांस बॉल करने का और होने वाले हैं टोटल 6 राउंड. अब आप लोग सोच रहे हो स्टूडेंट्स तो दो है तो 6 राउंड क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके जो एडुकेटर्स हैं वो आपको खाली मेंटली हेल्प नहीं करेंगे बट एक्चुअल में फिजिकली भी हेल्प करने वाले हैं. लास्ट राउंड आप दोनों को ही संभालना है. सो आप लोगों को बस अभी तक स्टूडेंट्स का फिजिकल टेस्ट हो रहा था. अब आरी आती है एडुकेटर्स की. तो बस अब आप लोगों को कुछ नहीं करना. आपको बस ये जो बोल पड़ी हुई है इनमें से वो एलिमेंट लेना है जिसका हाईएस्ट एटॉमिक मास है और बोल करना है. जितने ज्यादा पिंस आप गिराते हो और जो भी आप एटॉमिक मास लेके आते हो उनका सम इन द एंड ऑफ द डे डिसाइड करेगा के टीम हाजिक जीतती है या फिर जीती है टीम मुन्नार. सो आर यू गाइस रेडी? यस लेट्स गो. चलो कौन जीतता है भाई? नाखून चालन नाखून बटू. अच्छा हाँ और जो टीम लास्ट टाइम जीती थी जो कि थी अपनी टीम रेड यू विल गो फर्स्ट. सो आर यू गाइस रेडी? यस चलो भाई सेलेक्ट करो अपनी बॉल और हो जाए बॉलिंग. हाजिक स्टार्ट बॉलिंग हो जाए. सिंस लास्ट राउंड रेड टीम जीती थी आप लोगों को मौका मिलता है पहले जाने का. तो आप लोग बताइए आपकी टीम से सबसे पहले कौन जा रहा है? हाजिक. हाजिक भाई ठीक है. बिना सोचे समझे जो बोला है ना फिर से आपसे गिरनी चाहिए सारी. याद रखना योर एलिमेंट काउंट्स. ठीक है हो जाए. क्या ले रहे हो आप प्लीज? सो आई एम टेकिंग कोबाल्ट. कोबाल्ट हां क्या लगता है? 10 की 10 भाई. 4 ओ भाई ओ ओ ओ It's a strike. भाई यार दस एक मिनट काफी खराब शुरुआत हुई है टीम रेड के लिए बट कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. अब बारी है पिन नहीं गिरी है बट हो सकता है आपका एटॉमिक मास आया हो तो पॉइंट तो मिलेंगे. ठीक है टेंशन नहीं लेनी है. टीम ब्लू आर यू गाइस रेडी? टीम ब्लू से कौन जा रहा है भाई? ब्लू से मैं. चलो मुन्नार भाई हो जाए. मैंने उठाया ये मैंगनीज वाला बॉल. चलो हो जाए. कम ऑन द पिंस काउंट एज वेल हो जाएगा. और भाई साहब ओ भाई साहब भाई इस शॉट के मैं होता ज्यादा पॉइंट दे दूं. इसे बोलते हैं कि अगर शॉट में स्किल नहीं है ताकत डालो. तो टीम ब्लू ने चूज करा था मैग्नीज एलिमेंट और पिंस गिराए हैं 3 तो तगड़े पॉइंट बन रहे हैं मेरे को दिख रहा है. फिलहाल अभी 0 पे है रेड. चलो भरत दिखा दो भाई योर टर्न ब्रो दिखा दो. तो मैंने चूज किया है फ्लोरीन पावर. ठीक है पावर चाहिए फॉर्म पावर. वेरी वेरी ना फॉर्म है ना पावर है. देखो मैं आई होप इसके एटॉमिक मास ज्यादा हो भाई. ना फॉर्म है ना पावर है इसमें. वेल प्लेड. तो टीम रेड का काफी बुरा हाल है फिलहाल. एटॉमिक मास ज्यादा होंगे तो क्या पता थोड़ी बहुत पास पहुंच जाए टीम ब्लू के. बट अभी भी पूरा गेम सर के हाथ में है जो कि लास्ट में आएंगे. बट अभी के लिए टर्न है टीम ब्लू की. तो निदान प्लीज टेक योर एलिमेंट एंड बोल लेट्स गो. कम ऑन बस एक बार अपना एलिमेंट दिखा दीजिएगा. ओ मैंने चूज किया है सिलिकॉन.
ओके लेट्स गो लेट्स गो दिस सिलिकॉन और इंप्लांट में कितनी ताकत है अरे बॉयज बॉडी दिख रही है भाई चलो लेट्स गो पैक ओ नाइस नाइस ओ ओ आ गारंटी टीम से ज्यादा है भाई चार गिरा है चार तो लीस्ट बोल रहा हूं मैं अभी तक का हाई स्कोर है भाई तो इस बार टीम ब्लू ने चार पिन स्कोर गिरा दिया काफी अच्छा खासा स्कोर बना लिया है भाई पिन में तो गारंटीड टीम ब्लू जीत रही है टीम रेड भी अब सर हाथ में आ चुका है सब कुछ चलो अनमोल सर आर यू रेडी यस प्लीज दो बोले एलिमेंट हो जाए मेरा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन सबकी जान बचाता है तो आज आप बस ये वाला ऑप्शन नहीं चाहिए मेरे भाई ये नाक में पड़ेगा तो क्या होगा पता है ना कम ऑन हो जाए ओरे भाई पावर ट्रैक और ओके छह गिरा दिए भाई छह पॉइंट्स भाई पावर ट्रैक गिरा दिया सर ने तो गाइस यार इस वाले राउंड में तो सर ने क्या ही खेल दिया मतलब हाई स्कोर बना दिया मतलब ऑक्सीजन जान देती है इन्होंने पिंच की जान ले ली छह पिंच अभी तक का क्रेजी है अब आती है हमारी टीम मृणाल की और आती है चांदनी मैम के हाथ में पूरी टीम लेट्स गो चांदनी मैम चूज योर एलिमेंट चलो आई बोल सो आई एम टेकिंग मैग्नीशियम लेट्स गो मैम लेट्स गो हो रहा है कम ऑन 0 0 0 1 1 वो क्या ये एक पिन गिरेगी नहीं बट आई होप मैंने क्या बोला था बट इसी के साथ ही बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि इन्होंने पिंस भी गिराए थे और काफी अच्छे रहे थे यहाँ पे स्टार्टिंग में पिंस भी करते पर सर ने क्या खेला है सो लेट्स गो देखते हैं डायरेक्टली अब फाइनल रिजल्ट्स टोटल करते हैं सबके एटॉमिक मास और पिंस कितनी गिरी है उसका सम तो गाइस लास्ट राउंड अटोमिक बॉलिंग के बाद हमने आप लोग को थोड़ा सस्पेंस में छोड़ दिया था क्योंकि गेम एक्चुअल में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया था बट मैं आपको ना थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ कि अब तक क्या हुआ है तो फर्स्ट राउंड जीती थी टीम ब्लू जो कि थी टीम मृणाल सेकेंड राउंड जीती टीम रेड थर्ड था भाई फाइनल राउंड जिसके रिजल्ट हमारे हाथ में और शो को जाओगे भाई सुन भाई बिलीव मी मेरे को पता है भाई अभी मृणाल भाई आपकी और हार्दिक भाई आपकी दोनों की हार्ट बीट्स एकदम धक धक करेंगे राइट बट सीरियसली बहुत नेक टू नेक था पूरा का पूरा कॉम्पिटिशन एंड आप लोगों ने बहुत अच्छा खेला बट इट इज टाइम फॉर द फाइनल रिजल्ट जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हो सो भाई हो जाए तो देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ टीम हासिक टीम रेड का जो फर्स्ट इन्होंने एलिमेंट चूज करा था वो था कोबाल्ट हाँ तो उसका एटॉमिक मास है 59 और इन्होंने पिन गिराई थी 0 तो फर्स्ट टाइम तुमने लिया 59 पॉइंट यस और उसके बाद टीम मृणाल ने अपना जो पहला बोलिंग बॉल था जिसका एलिमेंट था मैग्नीज उसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 55 बट एट द सेम टाइम आपने तीन पिंस भी गिराई थी तो आपका स्कोर होता है 58 मतलब समझो राउंड वन में 59 50 इतना क्लोज बहुत ज्यादा अच्छे से कैलकुलेट करा है राउंड टू में टीम रेड ने जो बॉल चूज करी थी वो थी फ्लोरिन जिसका एटॉमिक मास था 19 और इन्होंने फिर से पिन जीरो ही गिराए थे तो भाई मतलब पिन जीरो गिराने में से जो महारत हासिल कर दी थी एंड में भाई देखने लायक था वो गेम टीम मृणाल ने अपने सेकंड राउंड में सेलेक्ट किया था सिलिकॉन ठीक है नितांत भाई ने लेकिन यहाँ पर दोबारा से भाई अपना जो स्कोर था वो रखा और चार पिंस गिराई तो इनको टोटल पॉइंट्स मिल गए थे 32 मतलब देख रहे हो अभी कैसे गेम पिछले राउंड में पीछे थे अब इस राउंड आ गया अब ये था फाइनल राउंड जो कि डिपेंड था टीम रेड के एडुकेटर पे अनमोल सर मुझे लग रहा था कि ये भी जीरो गिरा देंगे अरे भाई अनमोल बट देख रहे हो तुम बॉडी तगड़ी बना रखे तो इसीलिए उन्होंने चूज करा ऑक्सीजन जिससे टीम में भी थोड़ी धक बढ़ी और जिसका एटॉमिक मास था 16 और उन्होंने 6 पिंस गिरा के एकदम हाई स्कोर मारा बट 16 एटॉमिक मास और 6 समझ रहे हो तो ज्यादा पॉइंट मिल नहीं पाए इनको सिर्फ 22 पॉइंट बट वहीं पर जो टीम हाजिक थी उनका टोटल आता है 100 एंड बिलीव में भाई बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हुआ भाई एटॉमिक मास में बट अभी भी क्या लगता है मतलब आपको क्या लग रहा है आप दोनों में से किसको लग रहा है कि कौन जीता हम जीते हैं आपको लग रहा है सेंचुरी सेंचुरी मारी हम कॉन्फिडेंट हैं बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने हो सकता है आप लोग जीत रहे हो ठीक है तो लास्ट में जो एकदम एंड था उसमें टीम मृणाल से आई चांदनी मैम और उनने सेलेक्ट किया मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक मास होता है 24 बट एट द सेम टाइम उन्होंने गिराई सिर्फ और सिर्फ 0 पिंस सीधे गटर में मारा ऐसा नहीं उनको पता था टीम जीत चुकी है तो उन्होंने कहा ये एटॉमिक मास बढ़िया डालो क्यों एफर्ट लगाए हंबल विन था सो हियर आर द फाइनल पॉइंट्स टीम हाजिक ने इन टोटल लिया 100 पॉइंट्स और टीम मृणाल ने 114 पॉइंट्स कांग्रेचुलेशंस टीम मृणाल यू हैव वन
प्लीज मृणाल भाई एंड नितांग भाई ज्वाइन अस हियर, पोडियम में चढ़ जाइए अपने, आ जाओ भाई, लेट्स गो भाई। अभी इसी के साथ द वन थिंग इज आप लोग जीत गए हो 50,000 रुपए। भाई साहब जो मैंने आपको आंसर आंसर बताया था उसका मेरे को कट दे। मजाक कर रहे हो ना, तो टीम रेड के साथ। बट आपको खाली 50,000 रुपए नहीं मिलेंगे, सिंस इट्स द आर्केड ओलंपिक्स यहाँ पर हो गए, थोड़ा सा और स्पेशल जेस्चर, तो प्लीज चांदी मैम जॉइन अस हियर प्लीज। थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस। मैंने पहले ही बोला था टीम ब्लू जीतने वाली है। मैंने भी बोला था टीम ब्लू जीतने वाली है। मैंने स्पैडल से कौन क्या बोल रहा है, एक गोल्ड मेडल फॉर मृणाल यस एंड फॉर नितांग, वेयर देम विद प्राइड गाइस, यू हैव वन इट। बढ़िया, वेल प्लेड, वेल प्लेड गाइस, वेल प्लेड गाइस, वेल प्लेड। या बट एट द सेम टाइम भाई आप लोग बिल्कुल भी दिल छोटा मत करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लोज था भाई। फर्स्ट ये जीते, सेकंड राउंड आप जीते, थर्ड राउंड भी एकदम नेक टू नेक चढ़ा, तो भाई प्लीज आप लोग भी हम लोगों को यहाँ पे ज्वाइन करिए। अनमोल सर कम ऑन ज्वाइन अस हियर। मैंने एक आंसर बताया था सेकंड राउंड में 1/4, मेरे को याद है अभी। प्लीज भाई इनको पोडियम पे नहीं खड़ा कर रहे ना, इनको पोडियम पे नहीं खड़ा कर रहे। ये देख रहा हूँ, कितना बोलेगा, स्पोर्ट्समैनशिप देखिए आप। टीम रेड भी काफी अच्छा खेली है इसने, इनको बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने, बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला। एंड विद दैट गाइस द आर्केड ओलंपिक्स कम्स टू एन एंड। फॉर मोर सच क्रेजी वीडियोस कीप वाचिंग अनअकैडमी स्पॉटलाइट, कर लो सब्सक्राइब एंड लेट्स क्रश इट।